फरीदाबाद सेक्टर 7 थाना क्षेत्र में एक युवती की दिन दहाड़े घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के वक्त युवती अकेली थी। उसके माता पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक है, जबकि छोटा भाई 10वीं का छात्र है। दोपहर में जब वह घर आई तो देखा कि बहन खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। उसने माता पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन हत्यारे का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। बताया जाता है कि छात्रा के शरीर पर कपड़े नहीं थे। आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। हत्यारे का सुराग नहीं लगा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दुष्कर्म होने न होने की बात कही जा सकती है। घटना की जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ एवं सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मैं ड्यूटी पर गया हुआ था, मेरी वाइफ भी ड्यूटी पर गई हुई थी, बेटा स्कूल में गया हुआ था और बिटिया तैयारी करती है। अच्छा, तो अकेली रहती है। अभी एग्जाम का रिजल्ट आया बिटिया का जी, और मेरे को पड़ोसियों ने फोन करके बताया जी कि आपका बेटा रोता हुआ और बाहर रो रहा है। अच्छा, कोई ना कोई बात है। तो ऐसे सुन करके मैं तुरंत ही एकदम आया और आकर के देख करके मैंने लड़की को मृत अवस्था में देखा। हम यही रहते हैं इसी घर में, 1456 सेक्टर 3। क्या नाम लीजा है, बेटिया 18 साल की हुई है, यहाँ पे कोई था ही नहीं। देखिए, एक सेक्टर 3 में रहने वाली लड़की थी, मकान नंबर 1456 में नीचे बना। हमारे को सूचना मिली कि 1456 में रहने वाली एक ये लड़की है, उसकी किसी नाम पता नामान्य व्यक्ति ने हत्या कर दी। मौके पे हम आए, मौके पे आके देखा कि एक जो लड़की है वो खून से है, जो आलू पूरी तरह से बस के गिरी हुई थी और उसके सिर में चोट थी, काफ़ी सारा जो खून था वो खून पे गिरा हुआ था। देखिए, जो एक औरत है उसकी इज्जत को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे जो डॉक्टर मनीषा है फसल की जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया था मौके मौके पे। उन्होंने जो है मुआवजा किया था और बाद में जो बॉडी है हमने देखी थी कि बॉडी के ऊपर जो है कुछ कपड़े नहीं पाए गए। जो लड़की है उसका जो नाम है वो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो लड़की है वो 18 वर्ष की थी और अभी जो PMT की तैयारी कर रही है। सब कुछ अभी जो है उसके खून उसके सिर के ऊपर है, ब्लंट चोट थी और ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि जो हत्या है वो किस प्रकार के वेपन से की गई है, ब्लड वेपन से की गई है या शार्प वेपन से की गई है। इसके अलावा कुछ बॉडी के ऊपर निशान भी पाए गए हैं चोट के। हमने जो सीसीटीवी फुटेज है हम देख रहे हैं और पूर्णतः अभी हमारी जो है इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है।